नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग पावर ट्रांसमिशन के काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गियरिंग के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे गियरिंग क्या होता है, गियरिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, गियरिंग का फंक्शन क्या होता है, गियरिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो काफी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम गियरिंग को समझ लेते हैं। तो गियरिंग क्या होता है? गियरिंग एक मशीन एलिमेंट होता है जो मूविंग एलिमेंट को सपोर्ट करता है, किसी फिक्स पोजीशन में होल्ड करता है। यानी जो हमारा गियरिंग होता है ये शाफ्ट को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ किसी फिक्स पोजीशन में होल्ड करता है। ठीक है, ये हो जाता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है ये फ्रिक्शन से बचाता है। जो हमारा गियरिंग है ये शाफ्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा मान लीजिए ये हाउजिंग है। हाउजिंग कहने का मतलब क्या है? हाउजिंग को हम लोग कंटेनर कह सकते हैं जहां पर हमारा गियरिंग फिट होता है। अगर मान लीजिए अगर हम लोग इस हाउजिंग के अंदर गियरिंग को फिट नहीं करते हैं, हम लोग सीधा जो हमारा शाफ्ट है इसको फिट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा शाफ्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने शाफ्ट को फिट कर दिया, ये हमारा शाफ्ट है। तो जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा, ठीक है, जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा, ये भी सेम फिगर है। अगर मान लीजिए शाफ्ट हमारा रोटेट करेगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्ट होगा, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होगा। जब ये स्लाइड जब रोटेट करेगा तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्ट होगा हमारा हाउजिंग में, तो जिससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और काफ़ी ज़्यादा नॉइजी होगा। तो फ्रिक्शन के कारण हमारा शाफ्ट खराब हो सकता है और हमारा जो हाउजिंग है ये भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग गियरिंग का यूज करते हैं, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए फ्रिक्शन से बचाता है। और अगर देखेंगे जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा, तो जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो आप देखेंगे अगर गियरिंग नहीं रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा। यानी जब इसके ऊपर, ठीक है, ये मान लीजिए शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है, जब शाफ्ट के ऊपर कोई लोड पड़ेगा तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो सकता है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो सकता है, यानी टेढ़ा हो सकता है। जब ये रोटेट करेगा तो अगर लोड लगेगा तो हो सकता है ये टेढ़ा हो, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट ना करे। तो उसको बचाने के लिए हम लोग गियरिंग का यूज करते हैं। तो गियरिंग क्या करता है, इसको किसी फिक्स्ड पोजीशन में होल्ड करके रखता है। हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम लोग तीसरा पॉइंट जानेंगे। तीसरा पॉइंट में क्या होता है, देखिए अगर जब हमारा शाफ्ट के ऊपर कोई लोड पड़ता है, शाफ्ट के ऊपर जब कोई लोड पड़ता है तो ये लोड बियरिंग अपने ऊपर ले लेता है। ये बियरिंग क्या करता है, अपने ऊपर ले लेता है। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बियरिंग फिट होता है, यहाँ पर बियरिंग फिट होता है, यहाँ पर बियरिंग फिट होता है। तो जो शाफ्ट के ऊपर लोड लगेगा तो वो लोड क्या होगा, बियरिंग के ऊपर लोड लगता है, बियरिंग अपने ऊपर ले लेता है, इसलिए इसको बियरिंग कहा जाता है। तो ये लोड को हैंडल कर सकता है। चौथा पॉइंट, बियरिंग के कारण जो हमारा शाफ्ट होता है काफी फ्रीली रन करता है, काफी फ्रीली यानी काफी स्मूथ रन करता है, क्लियर। और चौथा पॉइंट, इसको डिफ्लेक्ट होने से बचाता है, ये इसमें मिसअलाइनमेंट नहीं हो सकता अगर हम लोग गियरिंग का यूज करेंगे। तो ये था दोस्तों गियरिंग के फंक्शन के बारे में। अब हम लोग जो गियरिंग के टाइप्स हैं इसको जानेंगे। तो गियरिंग को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोड। तो इसके ऊपर जो लोड लगता है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लोड अगर हम लोग क्लासीफाई करें, अकॉर्डिंग टू लोड अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो क्या होगा, देखिए तो हमारा होगा रेडियल लोड, सॉरी रेडियल बियरिंग, और दूसरा होगा थ्रस्ट बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग। तो रेडियल बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग को समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा शाफ्ट है। तो जब इसके ऊपर लोड लगेगा, ये लोड आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ये शाफ्ट का एक्सिस है। अगर शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लोड लगेगा तो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा रेडियल गियरिंग। यानी जहां पर शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लोड लग रहा है
तो वहां पर हम लोग जिस बियरिंग का यूज करेंगे वो बियरिंग हमारा क्या होगा, रेडियल बियरिंग होगा। ठीक है, तो शाफ्ट के ऊपर लोड लगने का मतलब क्या है, शाफ्ट के ऊपर लोड लगने का मतलब है बियरिंग के ऊपर लोड। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर शाफ्ट के ऊपर जो लोड लगता है बियरिंग क्या करता है, अपने खुद बियर करता है, अपने ऊपर ले लेता है। तो शाफ्ट के ऊपर लोड लगने का मतलब बियरिंग के ऊपर लोड लगना। तो अगर शाफ्ट के ऊपर, शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लोड लग रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे रेडियल बियरिंग। और अगर इसके एक्सिस के अलोंग, अगर इसके एक्सिस के अलोंग कोई लोड लग रहा हो तो हमारा हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग। तो अकॉर्डिंग टू लोड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रिक्शन बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन बियरिंग को हम लोग प्लेन बियरिंग भी कह सकते हैं, प्लेन बियरिंग, स्लाइड बियरिंग या स्लाइडिंग बियरिंग, स्लिप बियरिंग, जर्नल बियरिंग। ठीक है, अगर हम लोग एंटी फ्रिक्शन को कहें तो इसको हम लोग रोलर बियरिंग कह सकते हैं या रोलिंग बियरिंग। ठीक है, तो चलिए फ्रिक्शन बियरिंग और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग को समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे, जो हमारा प्लेन बियरिंग है, जो हमारा फ्रिक्शन बियरिंग, इसको प्लेन बियरिंग भी कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा बियरिंग है, ये हमारा बियरिंग है, ये हमारा शाफ्ट है और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हाउजिंग होता है जिसके ऊपर हम लोगों ने बियरिंग को फिट किया। ये हमारा क्या है, ये हमारा है हाउजिंग या हम लोग कंटेनर कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बियरिंग के रूप में क्या किया जाता है, बूश बियरिंग आप लोगों को पता होगा वो यूज किया जाता है ज्यादातर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा, ये हमारा शाफ्ट है, तो जब शाफ्ट रोटेट करेगा, ठीक है, जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा तो इसमें काफी ज्यादा कॉन्टेक्ट होगा, इसमें स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होगा। प्लेन बियरिंग में जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो शाफ्ट क्या करेगा, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट करेगा, यानी पूरा इसमें कॉन्टेक्ट होते हुए ये रोटेट करेगा। तो इसलिए इसको स्लाइडिंग बियरिंग भी कहा जाता है, और ज्यादा कॉन्टेक्ट होने के कारण काफी ज्यादा फ्रिक्शन होगा, इसलिए इसको फ्रिक्शन बियरिंग भी कहा जाता है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे रोलिंग बियरिंग। तो रोलिंग बियरिंग के पार्ट्स को पहले जो कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो रोलिंग बियरिंग का जो बाहर का पोर्शन है उसको आउटर रेस कहा जाता है, ये जो अंदर का सरफेस है, ठीक है, इसको इनर रेस कहा जाता है। और जो आप बीच में देख रहे हैं गोल गोल, ठीक है, ये क्या है, रोलिंग एलिमेंट। तो रोलिंग एलिमेंट में हमारा क्या है, ये बॉल है। रोलिंग एलिमेंट में हमारा बॉल भी हो सकता है, निडल भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग रोलिंग बियरिंग को के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये हमारा आउटर रेस है, ये हमारा इनर रेस है, ये बीच में जो है ये हमारा क्या है, ये जो हमारा बीच में है ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है, ये हमारा शाफ्ट है। तो यहां पर आप देखेंगे जब शाफ्ट हमारा रोटेट करता है तो इसका जो इनर रेस जो होता है ये हमारा रोटेट करता है शाफ्ट के साथ, जबकि हमारा जो आउटर रेस है, जो बाहर का पोर्शन है, ये रोटेट नहीं करता है। तो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जो हमारे बियरिंग है ये रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करता है। रिलेटिव मोशन यानी जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा तो बियरिंग रोटेट नहीं करता है। बियरिंग का अगर आप आउटर रेस को देखेंगे तो ये रोटेट नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये सापेक्ष गति प्रदान करता है। तो जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा तो इसका इनर रेस रोटेट करेगा, और इसमें आप देखेंगे इनर रेस और आउटर रेस के बीच में क्या होता है, बोल लगा होता है, ठीक है। और बोल को पकड़ने के लिए यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, केज होता है, ठीक है,
केज होता है, अगर केज का हम लोग ड्रॉइंग बनाए तो केज का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से ये पूरा होता है, मैं आधा ही बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह से इसमें होल होता है और इक्वली स्पेस होल होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो बोल होता है, बोल को हम लोग यहाँ पर फंसाते हैं और बोल हमारा क्या होता है, इक्वली स्पेस्ड होता है, इक्वली स्पेस्ड होता है। और बोल का आप देखेंगे, अगर मान लीजिए किसी मैदान के ऊपर हम लोग बोल को रखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है, यानी काफ़ी कम मात्रा में कॉन्टेक्ट होता है। तो जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा तो पॉइंट कॉन्टेक्ट के कारण काफ़ी कम फ्रिक्शन होगा, इसलिए इसको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहा जाता है। किसके कारण, यहाँ पर रोलिंग एलिमेंट के कारण, और जो रोलिंग एलिमेंट होता है, रोलिंग एलिमेंट ही लोड को बियर करता है, ठीक है। इसके और दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो हमारा रेसेस होता है, ठीक है, जो हमारा इनर रेस और आउटर रेसेस होता है, ये किससे बना होता है, ये बना होता है हाई क्वालिटी क्रोम स्टील, ये बना होता है हाई क्वालिटी, सॉरी ये हाई ग्रेड, ये बना होता है हाई ग्रेड क्रोम स्टील और क्रोम निकेल स्टील हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, क्रोम निकेल स्टील से बना होता है। और जो हमारा केज होता है, केज हमारा प्लास्टिक से बना होता है, ब्रास से भी बना हो सकता है और स्टील से भी बना हो सकता है। तो केज का काम यहाँ पर क्या होता है, केज का काम होता है बॉल को इक्वली स्पेस्ड रखना, यानी बॉल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, आपस में वो कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, ये काम होता है केज का। तो दोस्तों यही था हमारा बियरिंग के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा प्लेन बियरिंग के टाइप से, इसको हम लोग जानेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे बियरिंग के बारे में या आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे आपको उसका वीडियो तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।